लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति के स्वागत के लिए शहर समेत पूरे जिले में तैयारियां जोरों पर चल रही है। गणेशोत्सव के लिए अब 14 दिन शेष रह गए हैं। इस स्थिति में मूर्तिकारों ने गणपति मूर्तियों पर रंग रोगन का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। भक्ति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन। सार्वजनिक गणेश मंडलों की बात की जाए तो प्रतिस्पर्धा हर वर्ष बढ़ते ही जा रही है। मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम आकार देने में जुटे हैं। छोटी मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब उनको रंगने का काम शुरू किया जा रहा है। बड़ी मूर्तियों का निर्माण भी धड़ल्ले से चल रहा है। इस दौरान मूर्तिकारों ने बताया कि इस वर्ष भी गणेशोत्सव को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है, परंतु इस वर्ष भी गणेशोत्सव पर महंगाई की मार है। उत्साह बऱ्यापैकी चांगला है, पण महागाईच्यानं थोडंसं मंडळामध्ये जरा असमंजसपणा आला आहे। वर्गणी गोळा कमी होत आहे, मुलांच्या भरोशावर आज गणपती बसून राहिला आहे। उत्साह पुरेपूर चांगल्या प्रमाणात येत आहे। विशेष आकर्षण यह है कि मूर्तियां मुंबई पैटर्न तरीके से बनाई जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र बनेगी। साथ ही मूर्तिकारों ने कहा कि इस वर्ष भी गणेशोत्सव पर महंगाई की मार है। विशेष आकर्षण म्हणजे नवीन पद्धतीच्या मूर्त्या बनून राहिला आहे। मुंबई पैटर्न खूप चालून राहिला आहे, त्यामुळे आकर्षक मूर्त्यांचं प्रमाण वाढलं आहे। रविवार 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है, पश्चात 17 सितंबर को गणपति विराजित किए जाएंगे। दोनों ही त्योहार शहर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस कारण मूर्तिकारों द्वारा गणपति के साथ ही श्री कृष्ण की मूर्तियां भी तैयार की गई है। शहर में सार्वजनिक मंडलों द्वारा जगह जगह गणपति की स्थापना की जाती है। गणेशोत्सव जैसे जैसे समीप आ रहा है, मंडलों ने मंडप निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।